वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्सो हमारी बाकी की वीडियोस भी जाके देखिएगा, उनको भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट देना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैटरी की सी रेटिंग क्या होती है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ बेसिक से कैलकुलेशंस। तो चलिए जान लेते हैं सी रेटिंग के बारे में। सी रेटिंग इज अ रेटिंग ऑफ अ बैटरी विच डिटरमाइंड एट हाउ मच अमाउंट ऑफ अ मैक्सिमम करंट कैन बी बैटरी नीड टू गेट चार्ज और डिस्चार्ज। आसान भाषा में हम यह बोल सकते हैं कि सी रेटिंग बैटरी की एक ऐसी रेटिंग है जिससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम करंट लेवल पर बैटरी को चार्ज करना है या डिस्चार्ज करना है। डेफिनेशन से तो हमें यह पता चल गया कि सी रेटिंग क्या होती है, पर इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इमेजिन करिएगा कि एक वाटर टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है। इस वाटर टैंक को जो नल लगा हुआ है, उस नल को अगर मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा? हम सबको जैसे पता है कि जैसे ही मैं नल को घुमाऊंगा, उसमें से कुछ मात्रा में पानी बहने लगेगा। अगर मैं इस नल को और ओपन करूंगा तो कुछ और ज़्यादा मात्रा में पानी बहने लगेगा। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि मैं जितनी बार नल को घुमाऊंगा उसी मात्रा में पानी टैंक से बाहर बहने लगेगा। कुछ उसी प्रकार होता है बैटरी में भी। अगर अब मैं इस टैंक को बैटरी से कंपेयर करूंगा तो ये जो टैंक है वो है हमारी बैटरी। टैंक के अंदर का पानी होगा हमारा करंट और जो नल होगा वो हमारी होगी सी रेटिंग। अब ये जो टैंक है जिसको हमने बैटरी कंसीडर किया है, उसकी सी रेटिंग अगर 1C हो तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट डिस्चार्ज होगा। अगर वही रेटिंग 2C हो तो थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में करंट डिस्चार्ज होगा। अगर वही रेटिंग 3C हो तो उसमें से थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में करंट डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से हमारा सी रेटिंग होता है उसी मात्रा में हमारा मैक्सिमम करंट का डिस्चार्ज होता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि सी रेटिंग बैटरी की ऐसी रेटिंग होती है जिससे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि बैटरी कितने मैक्सिमम करंट पे चार्ज हो सकती है या फिर कितने मैक्सिमम करंट पे डिस्चार्ज हो सकती है। जो एग्जांपल हमने लिया जिसमें हमने टैंक को बैटरी कंसीडर किया, उसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि बैटरी की सी रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा मात्रा में बैटरी करंट डिस्चार्ज कर सकती है। अब हम एक बैटरी लेते हैं दोस्तों जिसकी करंट कैपेसिटी है 2 एम्पावर एंड जिसकी सी रेटिंग है 2C। उसी बैटरी से हम एक लोड कनेक्ट करेंगे जिसको ऑपरेटिंग करंट है 2 एम्पियर। लोड जो है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है उसको ऑपरेटिंग करंट 2 एम्पियर है। इसका मतलब बैटरी से हम उसे अगर 2 एम्पियर करंट सप्लाई करेंगे तो वो स्मूथली काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारी बैटरी की कैपेसिटी जो है वो है 2 एम्पावर की और उसकी सी रेटिंग है 2C। इसका मतलब सी रेटिंग के अनुसार हमारे बैटरी की मैक्सिमम करंट डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है वो है 4 एम्पियर और हमारे लोड की भी ऑपरेटिंग करंट कैपेसिटी जो है वो है 2 एम्पियर। उसके ही वजह से हमारा लोड स्मूथली काम कर रहा है। अब हम इसमें ज़रा से चेंजेस करते हैं। बैटरी की रेटिंग हम वही रखते हैं, बस लोड का ऑपरेटिंग करंट इस बार हम 5 एम्पियर करते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? क्या जो हमारा लोड है जिसकी ऑपरेटिंग करंट कैपेसिटी 5 एम्पियर है वो हमारे बैटरी के 2 एम्पियर करंट सप्लाई पे चल पाएगा? इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। अगर बैटरी के सी रेटिंग के अनुसार बैटरी का कुछ स्पेसिफिक मैक्सिमम करंट डिस्चार्ज रेट हो, फिर भी उससे रेट से ज़्यादा करंट बैटरी डिस्चार्ज कर सकती है। अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कैसे, कन्फ्यूज मत हो जाएगा दोस्तों। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। बैटरी की सी रेटिंग और बैटरी की करंट कैपेसिटी, यह दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब हम डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करेंगे, जो कि इस पॉइंट में आप देख सकते हैं। डिस्चार्ज रेट ऑफ अ बैटरी कैन बी वेरियस और मोर देन एस्टिमेटेड सी रेटिंग। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट रेट है वो सी रेटिंग से ज़्यादा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। सी रेटिंग तो बस एक स्केल है जो कि हमें बता सकती है कि हमें बस इस लेवल तक ही करंट को डिस्चार्ज करना है, उसके आगे नहीं जाना है। कैपेसिटी के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे कि ये दोनों अलग अलग कैसे है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बैटरी मस्ट बी डिस्चार्ज बिलो इट्स सी रेटिंग। इफ बैटरी स्टार्ट डिस्चार्जिंग अबोव इट्स सी रेटिंग देन इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स कैपेसिटी ओवर टाइम। इसका मतलब दोस्तों ये होगा, अगर सी रेटिंग से एस्टिमेटेड किए गए डिस्चार्ज रेट से अगर ज़्यादा रेट में हम बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे उस बैटरी की कैपेसिटी कम होती जाएगी दोस्तों।
ड्यू टू ओवर करंट डिस्चार्जिंग द केमिस्ट्री विद इन बैटरी में डैमेज विच अफेक्ट बैटरी साइकिल्स। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ज़्यादा करंट डिस्चार्जिंग के कारण बैटरी के अंदर की केमिस्ट्री डिस्टॉर्ड हो जाती है दोस्तों, जिससे कि हमारे बैटरी की जो लाइफ होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए कभी भी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज ना कीजिएगा। कि बस इतना समझिए, रेटिंग से आगे जाके अगर हम करंट डिस्चार्ज करेंगे तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे बैटरी में। हर एक बैटरी का अपना एक सी रेटिंग होता है और उस सी रेटिंग को उस बैटरी के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। आप अब इस स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि सी रेटिंग किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि सी रेटिंग 1C, 2C, 3C, 10C, 20C इस प्रकार, या फिर सी ऐसे ही होता है और उसके सफिक्स में 1, 2, 3, 4 होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हर एक बैटरी का अपना अलग अलग सी रेटिंग है और ये सी रेटिंग बैटरी के ऊपर प्रिंटेड होता है जो कि इजीली विजिबल होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सी रेटिंग क्या होती है, सी रेटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और सी रेटिंग कैसे प्रिंटेड और रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस बैटरी के सी रेटिंग के अनुसार बैटरी का मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या हो सकता है, ये सब कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिएगा एक बैटरी है जिसकी करंट कैपेसिटी है 4000 mAh और जिसकी सी रेटिंग है 10C। तो अब ये बैटरी मैक्सिमम कितना करंट डिलीवर कर सकती है इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम इस 4000 mAh को AH में कन्वर्ट करेंगे। AH जो होती है वो बैटरी की कैपेसिटी होती है। अब 10 से हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 40 amperes। ये 40 amperes जो है इस बैटरी का मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट है। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे दोस्तों, जिसमें आपकी बैटरी का करंट कैपेसिटी है 5000 mAh का और उसका सी रेटिंग है 20C। यहाँ पर भी हम वही करेंगे दोस्तों, पहले हम mAh को AH में कन्वर्ट करेंगे जिसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 AH आया है। फिर इस 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 100 amps। ये जो 100 amps है वो इस बैटरी का मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है। यहाँ पर मैं फिर से आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी कैलकुलेशन अभी हमने किए वो सब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। प्रैक्टिकल में इसके आंसर हमारे आंसर से थोड़े बहुत नीचे या ऊपर हो सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। स्क्रीन पर आप एक बैटरी देख सकते हैं जिसकी करंट कैपेसिटी है 2000 mAh की और जिसकी सी रेटिंग है 30C। अब इसका मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरे ख्याल से अब आपको सी रेटिंग क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि सी रेटिंग बस एक स्केल होती है जिससे हम यह निर्धारित करते हैं कि बैटरी को कितने मात्रा में करंट देकर चार्ज करना चाहिए या फिर उससे कितने मात्रा में करंट डिस्चार्ज करना चाहिए। ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग के कारण बैटरी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसीलिए ही हम चार्जिंग के समय एक सूटेबल चार्जर यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सी रेटिंग के अनुसार आप कौन सा सूटेबल चार्जर आपके बैटरी के लिए चूज़ करें। आप कोई भी बैटरी अपने एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करोगे तो उसका सी रेटिंग ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने कहा, अगर बैटरी अपने डिस्चार्ज रेंज से ज़्यादा करंट डिस्चार्ज करे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इसके आगे भी मैं बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालने वाला हूँ, तो ज़रूर हमारा चैनल देखते रहिएगा। ऑल्सो चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।